हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई कॉमर्स एकेडमी। माय नेम इज़ रमाकांत। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जल्दी से आ जाइए लाइव और वीडियो कर दीजिए लाइक। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारा लेक्चर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और भी ज़ोरों शोरों से हो। ठीक है फ्रेंड्स, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो 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 एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने NTUGC एग्ज़ाम के लिए लाइव मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा ICT और कम्युनिकेशन चल रहा है। ICT के हमारा आज पार्ट 9 है। यदि आपने इसे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, मॉक टेस्ट सीरीज़ वाली प्लेलिस्ट है, उसमें आप चेक कर सकते हैं। कम्युनिकेशन का भी हमारा साथ साथ चल रहा है, उसमें 3 से 4 लेक्चर आ चुके हैं। ICT के बाद उसे भी कंटिन्यू करते हैं। और हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड पर 10-10 लेक्चर लग चुके हैं। हम आपको उसमें 100-100 MCQ प्रोवाइड कर चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपने नहीं देखे तो आप जाकर देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा चैनल पर जाकर। और यदि आप इनकी PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में सर्च करें साई कॉमर्स अकेडमी, आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। यही लोगो लगा है जो कि हमारे यूट्यूब चैनल का है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपके समझ में आ गए होंगे। इतनी बार आइए क्वेश्चन अपने लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम डेली 15-15 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमारी बात होगी 121 से लेकर 135 तक। तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम डेली आपको एब्रीविएशन भी करा रहे हैं, तो आप कॉपी पेन लेकर बैठिए अपने साथ। ठीक है फ्रेंड्स, आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट एनी टाइम। तो आइए फ्रेंड्स, 121 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अच्छे से पढ़िए और लगाइए। फ्रेंड्स, इसमें बताना है आपको विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स लीस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर। यानी कि आपको बताना है कि मतलब कौन सा जो है कम मेल खाता है। फर्स्ट नंबर पे है HTTPS यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड। सेकंड नंबर पे हमारा 1024x8 bits। थर्ड नंबर पे हमारा WWW जिसे हम वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं। फोर्थ नंबर पे है PDF जिसे हम पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स बताइए इसका क्या आंसर होने वाला है। इसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स लीस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर्स। तो बताइए फ्रेंड्स क्या आंसर होगा। सभी फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें जल्दी जल्दी। फ्रेंड्स, यदि लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो फ्रेंड्स लाइक कर दीजिए जल्दी से और अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी फ्रेंड्स जल्दी जल्दी जुड़ सकें। जल्दी से बताएं फ्रेंड्स आंसर क्या होगा। आइए अब मैं बताता हूँ आपको इसका आंसर। फ्रेंड्स, 121 का आंसर है हमारा फर्स्ट। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा 1 MB जो है 1024x8 bits से करेंगे तो हमारा 1 MB हो जाता है। थर्ड पे बात हुई थी हमारे WWW जिसे आप जानते हैं वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से, और PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है फ्रेंड्स, बट इन्होंने जो ये HTTPS जो था हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, इसमें S जो स्टैंडर्ड्स नाम दे दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा यहाँ हमारा हो जाएगा फर्स्ट वाला आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप मुझे बताएं ABR की फुल फॉर्म क्या होगी फ्रेंड्स। ABR की सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें जल्दी जल्दी। ABR की फुल फॉर्म क्या होगी फ्रेंड्स, सभी फ्रेंड्स आंसर दें ABR की फुल फॉर्म क्या होगी। सभी कोशिश करें ABR की फुल फॉर्म क्या होगी फ्रेंड्स। जल्दी जल्दी आंसर दें फ्रेंड्स, सभी आंसर दें ABR की फुल फॉर्म क्या होगी। आइए फ्रेंड्स, अब मैं बताता हूँ आपको ABR की फुल फॉर्म है एरिया बॉर्डर राउटर। क्या है? एरिया बॉर्डर राउटर। तो अच्छे से याद रख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 122 क्वेश्चन। ये मैचिंग से क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो आइए पढ़ते हैं क्या है इसमें।
फर्स्ट नंबर पे है स्वयं प्रभा, सेकंड नंबर पे ज्ञान, थर्ड पे है ज्ञान वाणी, डी पे है ज्ञान दर्शन और ई पे है ज्ञान धारा। फ्रेंड्स इन सभी पर बात हो चुकी है हमारे एमसीक्यूज़ पर, वह बहुत ही अच्छे से हो चुकी है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है, इनको मैच करना है। फर्स्ट नंबर पर दिया FM एजुकेशन रेडियो नेटवर्क, सेकंड पर दिया इंटरनेट ऑडियो काउंसलिंग सर्विस, थर्ड नंबर पर दिया फ्री DTH चैनल फॉर एजुकेशन, फोर्थ पर दिया टैलेंट पूल ऑफ साइंटिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर्स फॉर एंगेजमेंट विद इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, और फिफ्थ पर दिया हमारा एजुकेशनल टेलीविजन चैनल। तो फ्रेंड्स कोड आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए और लगाइए कौन सा मैच होगा। जल्दी से पढ़ें फ्रेंड्स और आंसर दें। सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें, जल्दी दीजिए फ्रेंड्स, बस आपको इनको मैच करना है। देखिए फ्रेंड्स किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, कितने एक ही क्वेश्चन में इसने आपसे 5 टॉपिक पूछ लिए, समझ रहे हैं मेरी बात आप। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है NTA। यदि आप पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप देख लीजिएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में जाके कोई परेशानी ना पड़े। आइए फ्रेंड्स अब मैं अपना आंसर बताता हूँ आपको, इसका आंसर हमारा है फर्स्ट। अब कैसे है फर्स्ट, आइए चेक कर लेते हैं। इन्होंने ए का दिया थर्ड, क्या है हमारा स्वयं प्रभा, क्या है फ्री DTH चैनल है किसका, एजुकेशन के लिए, ठीक है फ्रेंड्स अच्छे से याद रख लीजिएगा। बी का है हमारा फोर्थ, बी क्या है ज्ञान, ठीक है ग्लोबल इनिशिएटिव्स ऑफ एकेडमिक नेटवर्क, ठीक है फ्रेंड्स यही तो है हमारी फुल फॉर्म। बी नंबर बी किससे जुड़ा हमारा फोर्थ से, फोर्थ के टैलेंट पूल ऑफ साइंटिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर्स फॉर एंगेजमेंट विद इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से मिल जाएगा। ज्ञानवाणी क्या है हमारा थर्ड नंबर पर दिया, सी का है फर्स्ट। ज्ञानवाणी क्या है हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया था आकाशवाणी FM रेडियो से जुड़ी हुई, ऐसी हमारी ज्ञानवाणी जो है वो FM एजुकेशनल रेडियो नेटवर्क है, ठीक है फ्रेंड्स। फोर्थ नंबर पे क्या था ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन का हमारा फिफ्थ से मिला हुआ है, ये क्या एजुकेशनल टेलीविज़न चैनल है, कैसा है जैसे कि आपको बताया दूरदर्शन एक टीवी का चैनल है, टेलीविज़न चैनल है, ऐसी हमारा ज्ञान दर्शन जो है वो हमारा एजुकेशनल टेलीविज़न चैनल है। एंड बचा ज्ञान धारा, ज्ञान धारा क्या है हमारा इंटरनेट ऑडियो काउंसलिंग सर्विस है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बहुत ही अच्छे से याद रख लीजिएगा, आई होप कि आपको पाँचों क्लियर हो गए होंगे कैसे कैसे मैच हुए। अब आप मुझे बताएं APCI की फुल फॉर्म क्या होगी फ्रेंड्स, APCI की फुल फॉर्म क्या होगी फ्रेंड्स, सभी फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें। APCI की फुल फॉर्म क्या होगी फ्रेंड्स, सही फ्रेंड्स आंसर दें, APCI की फुल फॉर्म क्या होगी, जल्दी आंसर दें फ्रेंड्स, APCI की फुल फॉर्म क्या होगी। फ्रेंड्स गलती तो हो जाएगा, आप ज़रूर आंसर दीजिए करिए, जैसे दीपिका जैसे देविका जी देती हैं, कल भी कह रही थी वो कि मैं तो आंसर ज़रूर देती हूँ चाहे गलत हो जाए। इसी तरह आप भी अपने माइंड में बैठाइए बात को और ज़रूर से आंसर दीजिए, गलती तो हो जाएगा इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं, बट एग्ज़ाम में सही होगा। तो फ्रेंड्स जल्दी से आंसर दें, आइए अब मैं बताता हूँ आपको, यदि आपने लिख दी हो तो APCI की फुल फॉर्म है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, क्या है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, तो अच्छे से लिख लीजिएगा अपने पास, आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, 123 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या है विच पीस ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर इज नोन एज द ब्रेन, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है सभी लगा ले जाएंगे मुझे तो पता है इतनी बात, ऑफ द कंप्यूटर एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर हार्डवेयर का कौन सा टुकड़ा कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है और प्रसंस्करण निर्देशों के लिए जिम्मेदार है, तो फ्रेंड्स बताइए क्या है रैम है रोम है CPU या मदरबोर्ड, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है सभी फ्रेंड्स बना ले जाएंगे, जल्दी से बताएं फ्रेंड्स। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स हार्ड के साथ साथ इजी क्वेश्चन भी पूछ लेता है वो, है ना, तो आप इतना भी परेशान ना हो एग्ज़ाम को लेकर, बट अपनी जो प्रिपरेशन है उसे कंटिन्यू बनाए रखें ताकि आपके माइंड से कुछ उतरे ना, जो भी पढ़ते हैं ना उसे रिवीजन कर लीजिए करिए। जल्दी से बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होने वाला है इसका हमारा, सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें जल्दी जल्दी। आइए फ्रेंड्स अब मैं अपना आंसर बताता हूँ, हमारा 123 का आंसर है हमारा क्या है थर्ड CPU है ना,
है ना, क्या कंप्यूटर हार्डवेयर का एक कौन सा टुकड़ा कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है, वो हमारा कौन है, सीपीयू है, ब्रेन के रूप में जाना जाता है कंप्यूटर के। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी फ्रेंड्स। अब आप बताएं फ्रेंड्स BEM की, WBEM की फुल फॉर्म बताएं फ्रेंड्स, WBEM की, WBEM की फुल फॉर्म बताएं फ्रेंड्स। सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें, WBEM की फुल फॉर्म। सही फ्रेंड्स, WBEM की फुल फॉर्म बताएं क्या होगी फ्रेंड्स। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्च करके कर लेके आता हूँ फ्रेंड्स कि कौन सी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपका काम है आप इन्हें नोट डाउन करें और अच्छे से याद करें, आप इधर उधर ना भटकें, आप सिर्फ अपनी प्रिपरेशन की स्टडी, अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दें। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है WBEM की फुल फॉर्म क्या होगी फ्रेंड्स। सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें, WBEM की फुल फॉर्म, IMA बता देता हूँ, आपको नहीं पता होगी शायद। WBEM की फुल फॉर्म है वेब बेस एंटरप्राइज मैनेजमेंट। क्या है, W से वेब, B से बेस, E से एंटरप्राइज, M से मैनेजमेंट, वेब बेस एंटरप्राइज मैनेजमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छे से याद रख लीजिएगा, आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी फ्रेंड्स। 124 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आ जाइए। क्या है, कंप्यूटर डेटा फाइल्स that are included with an email message are often referred to as, यानी कि कंप्यूटर डेटा फाइलें जिन्हें ई मेल मैसेज के साथ शामिल किया जाता है उन्हें अक्सर निम्न के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो फ्रेंड्स बताइए क्या होगा, स्पैम मेल होगा, अटैचमेंट होगा, कुकीज़ होगा या कार्बन कॉपी होगा। तो सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें, उसे क्या बोलते हैं, कंप्यूटर डेटा फाइलें जिन्हें ईमेल मैसेज के साथ शामिल किया जाता है। आप समझ सकते हैं, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। उन्हें अक्सर निम्न के रूप में जाना जाता है, स्पैम मेल होगा, अटैचमेंट होगा, कुकीज़ होगा या कार्बन कॉपी होगा। समझने की कोशिश करिए, कंप्यूटर डेटा फाइल को ईमेल के साथ इंक्लूड करके मैसेज में भेजते हैं तो क्या होता है वो। आई होप कि आप समझ रहे होंगे मेरी बात, तब आप अच्छे से आंसर लगा ले जाएंगे। तो सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें, सही फ्रेंड्स आंसर दें जल्दी जल्दी, आई होप कि आपको पता होगा फ्रेंड्स, जल्दी से आंसर दें सही फ्रेंड्स मेरे। सही फ्रेंड्स जल्दी जल्दी आंसर दें, आइए मैं बताता हूँ अब। 124 का आंसर हमारा सेकंड क्या होगा फ्रेंड्स, अटैचमेंट। कोई भी आते ना, कोई अटैच करके दे दिया हमने, वही चीज़ अटैचमेंट है ना। ईमेल के साथ, ईमेल मैसेज के साथ कोई भी कंप्यूटर के डेटा फाइल को हम अटैच करके देते हैं तो क्या होता है, अटैचमेंट बोलते हैं उसे। अब आप फ्रेंड्स मुझे बताएं WMA की फुल फॉर्म, WMA की फुल फॉर्म बताएं फ्रेंड्स, WMA की फुल फॉर्म बताएं। सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें, WMA की फुल फॉर्म फ्रेंड बहुत ही छोटी सी है, सही फ्रेंड्स बताने की कोशिश करें WMA की फुल फॉर्म क्या होगी, जल्दी से देखिए फ्रेंड्स क्या होगी WMA की फुल फॉर्म, थोड़ा सा माइंड लगाइए। हमारा फ्रेंड कल को लेक्चर और आएगा इसका, फिर उसके बाद कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से बताएं फ्रेंड WMA की फुल फॉर्म क्या होगी, WMA की कोशिश करिए फ्रेंड्स। आइए अब मैं बताता हूँ आपको WMA की फुल फॉर्म हमारी विंडोज़ मीडिया ऑडियो। क्या है फ्रेंड्स, विंडोज़ मीडिया ऑडियो, W से विंडोज़, M से मीडिया, A से ऑडियो, विंडोज़ मीडिया ऑडियो। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत ही अच्छे से लिख लीजिएगा अपने पास, रिवीजन करते रहिए, आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, 125 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ए सेट ऑफ रूल्स यूज्ड इन कम्युनिकेशंस इन ए नेटवर्क इज कॉल्ड, यानी कि एक नेटवर्क में संचार में उपयोग किए जाने वाले नियमों का एक सेट कहा जाता है। फर्स्ट नंबर पे रेफरेंस, सेकंड पे इंटरफेस, थर्ड पे है प्रोटोकॉल और फोर्थ पे है एड्रेस। तो फ्रेंड्स क्या बोला जाता है उसे जल्दी से बताइए, एक नेटवर्क में संचार में उपयोग किए जाने वाले नियमों का एक सेट कहा जाता है, रेफरेंस, इंटरफेस, प्रोटोकॉल या एड्रेस। सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें फ्रेंड्स, जल्दी से बताएं फ्रेंड्स क्या होता है वो। देखिए फ्रेंड्स आंसर सभी लोग दिया लीजिए करिए, रोज़ हम डेली देख रहे हैं कि 4-5 बच्चे ही देते हैं आंसर को, बाकी सब देखते रहते हैं या भाग जाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है फ्रेंड्स। मेरा क्या जाता है, मेरा तो कुछ नहीं, चलो
आप चले जाते हैं, कुछ और बच्चे जुड़ जाएंगे इसके अलावा, बट आपकी प्रिपरेशन जो ढीली पड़ जाएगी, समझने की कोशिश करिए, जो आप पढ़ते हैं उसे यहाँ सॉल्व करेंगे तो आपकी एनर्जी बूस्ट होगी, है ना। बस समझने का फेर है, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आए तो यहाँ भी लगा लीजिए अच्छी तरह से, इधर उधर भागने से क्या फ़ायदा है। क्या होगा फ्रेंड्स, जल्दी से आंसर दें। आइए मैं अपना आंसर देता हूँ आपको। 125 का आंसर है हमारा थर्ड, क्या है फ्रेंड, प्रोटोकॉल कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ए सेट ऑफ रूल्स यूज्ड इन कम्युनिकेशन इन ए नेटवर्क इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। एक नेटवर्क में संचार में उपयोग किए जाने वाले नियमों का एक सेट कहा जाता है प्रोटोकॉल। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप फ्रेंड्स मुझे बताएं ई एफ एफ की फुल फॉर्म। सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें, ई एफ एफ की फुल फॉर्म क्या होगी। मेरे सही फ्रेंड्स आंसर दें ई एफ एफ की फुल फॉर्म। यदि नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूंगा, आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स बताएं जल्दी से ई एफ एफ की फुल फॉर्म क्या होगी। सही फ्रेंड्स आंसर दें ई एफ एफ की फुल फॉर्म क्या होगी। आइए अब मैं बताता हूँ आपको, ई एफ एफ की फुल फॉर्म हमारी इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाउंडेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाउंडेशन। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छे से लिख लीजिएगा अपने पास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 126 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड्स। क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉइंटिंग डिवाइसेस। किससे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये एक पॉइंटिंग डिवाइसेस से क्वेश्चन है, तो अच्छे से पढ़िए क्या कहा गया है इसमें। ए नंबर पर दिया ट्रैक बॉल, बी पर दिया टच स्क्रीन, सी पर दिया ग्राफिक टैबलेट और डी पर दिया जॉयस्टिक। ठीक है फ्रेंड, कोड आपकी स्क्रीन पर है, मतलब निम्नलिखित में से कौन से उपकरण जो है इंगित कर रहे हैं किसे, पॉइंटिंग डिवाइस को। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट पर दिया ए एंड डी, बी पर दिया ए बी सी डी एन के चारों, सी थ्री पर है ए ओनली और फोर पर है ए बी डी। तो फ्रेंड्स जल्दी से बताइए क्या आंसर होने वाला है। सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें। यदि आपने पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में पढ़ रखा होगा तो आप इस क्वेश्चन को बना ले जाएंगे। फ्रेंड्स देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉइंटिंग डिवाइसेस, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, ग्राफिक टैबलेट, जॉयस्टिक। तो बताइए फ्रेंड कौन कौन सी हैं। सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें। आइए अब मैं बताता हूँ आपको, इसका आंसर है हमारा सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स, ए बी सी डी चारों हैं, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, ग्राफिक टैबलेट और जॉयस्टिक, चारों कैसी हैं, पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। अब आप मुझे बताएं फ्रेंड्स, ई एफ आई की फुल फॉर्म क्या होगी, ई एफ आई की फुल फॉर्म। सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें, ई एफ आई की फुल फॉर्म क्या होगी फ्रेंड्स। ई एफ आई की फुल फॉर्म कोशिश करें फ्रेंड्स, यदि नहीं पता तो आप लिख लीजिएगा बात को, ई एफ आई की फुल फॉर्म। ये मैं बताता हूँ, ई एफ आई की फुल फॉर्म है हमारी एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस, एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो अच्छे से लिख लीजिएगा अपने पास, आई होप कि आप लिख लिया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। और यदि लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, एक हमें आपसे लाइक ही मिलता है और तो हम आपसे कुछ नहीं ले रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप भी अपना 100% दीजिए हमें। वह 27 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर फ्रेंड, ये मैचिंग से क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, ए नंबर पर दे ब्राउज़र, बी पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी पर है ऑपरेटिंग सिस्टम और डी पर है ईमेल। ये लिस्ट सेकंड में दिया है आउटलुक, डॉस जिसे हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड पे है इंटरनेट एक्सप्लोरर और फोर्थ पे है फोरट्रान। ठीक है फ्रेंड्स, बस आपको यहाँ मैच करना है कौन सी चीज़ क्या है। कोड आपके स्क्रीन पर है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा और लगा दीजिएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन अब तक का, जल्दी से बताएं फ्रेंड्स। इन चारों पर बात हो चुकी है हमारी अब तक, आज हमारा 9th लेक्चर लग रहा है, तो आप भी समझ सकते हैं। यदि आप हमारे लेक्चर पर पहली बार आए हैं आज, तो प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे उसमें हमने दे रखे हैं, बिल्कुल भी छोड़िए मत फ्रेंड्स। यदि आप नए हैं तो उन्हें जाकर ज़रूर से देख लीजिएगा, एक बार ज़रूर सॉल्व करिएगा। तो फ्रेंड्स सभी फ्रेंड्स आंसर दें जल्दी जल्दी। सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें फ्रेंड्स, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। आइए अब मैं बताता हूँ आपको, फर्स्ट कैसे है। फर्स्ट ए का दिया इन्होंने थर्ड,
क्योंकि ब्राउज़र क्या है हमारा, ब्राउज़र है इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है फ्रेंड, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है हमारा, ब्राउज़र है। तो ब्राउज़र से ऐड कर जोड़ दिया हमने, बी पर दिया फोर्थ। बी क्या हमारा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या हमारी, फोर्ट्रान है ना। और सी पर है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हमारा, डॉस है ना। तो सी का हमारा सेकंड से मिल गया डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम से। और डी क्या हमारा, ईमेल है। तो ईमेल हमारा जुड़ गया आउटलुक से। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट से जुड़ गया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। अब आप मुझे बताएं BGP की फुल फॉर्म बताएं फ्रेंड्स। BGP की फुल फॉर्म, सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें फ्रेंड। BGP की फुल फॉर्म क्या होगी, BGP की फुल फॉर्म क्या होगी फ्रेंड्स, सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें। BGP की फुल फॉर्म क्या होगी, आई होप कि आपको पता होगी फ्रेंड्स। BGP की फुल फॉर्म होगी, बताएं फ्रेंड्स, सही फ्रेंड्स आंसर दें। BGP की फुल फॉर्म क्या होगी, आइए फ्रेंड्स अब मैं आपको बता देता हूँ। BGP की फुल फॉर्म है हमारी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, ठीक है फ्रेंड्स, अच्छे से लिख लीजिएगा अपने पास। आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 128 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्क टोपोलॉजी, निम्नलिखित में से कौन नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। फर्स्ट नंबर पर रिंग, सेकेंड पे चैन, फोर्थ नंबर पर स्टार, थर्ड पे स्टार, फोर्थ पे है बस। सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें, कौन सी इनमें से नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, रिंग, चैन, स्टार, बस। तो सही फ्रेंड्स बताएं क्या आंसर होने वाला है हमारा इसका, जल्दी से बताएं फ्रेंड्स, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सही फ्रेंड्स आंसर दें, जल्दी से बताएं फ्रेंड्स। आइए अब मैं आपको आंसर बताता हूँ। 128 का आंसर है हमारा सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स, रिंग, स्टार, बस हमारी क्या है, नेटवर्क टोपोलॉजी। और साथ साथ हमारा ट्री भी नेटवर्क टोपोलॉजी होता है, बट चेन जो है नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको क्लियर हो रही होगी मेरी बात। अब आप फ्रेंड मुझे बताएं, अब आप बताएं TDMA की फुल फॉर्म, TDMA की फुल फॉर्म, TDMA की फुल फॉर्म बताएं। सही फ्रेंड्स बताएं TDMA की फुल फॉर्म क्या होगी, सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें। TDMA की फुल फॉर्म क्या होगी, जल्दी से बताएं फ्रेंड्स, TDMA की फुल फॉर्म क्या होगी। हाय फ्रेंड्स, कोशिश करिए आंसर देने की, TDMA की फुल फॉर्म क्या होगी। सही फ्रेंड्स आंसर दें। आइए फ्रेंड्स अब मैं बताता हूँ आपको, TDMA की फुल फॉर्म है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ठीक है फ्रेंड्स, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो अच्छे से लिख लीजिएगा अपने पास। आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 129 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहा गया है, द इंटरनेट बिगेन विद द डेवलपमेंट ऑफ, यानी कि इंटरनेट का विकास किसके साथ शुरू हुआ। तो फ्रेंड्स इस पर बात हमारी फर्स्ट लेक्चर में ही हो गई थी, है ना। और ये भी बताया गया था कि किस पर्पस से इसे यूज़, इसको उपयोग किया गया था, है ना फ्रेंड्स। तो बताएं जल्दी से, फर्स्ट नंबर पर दिया अर्पानेट, सेकेंड पर दिया इंटरनेट, थर्ड पर दिया एक्स्ट्रानेट, और फोर्थ पर दिया यूज़नेट। तो फ्रेंड्स बताइए कि इंटरनेट का विकास किसके साथ शुरू हुआ। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, यदि आप हमारे साथ डेली बने हुए हैं तो आप इस आंसर को बना ले जाएंगे। जल्दी से बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होने वाला है इसका, सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें, सही फ्रेंड्स बताएं। द इंटरनेट बिगेन विद द डेवलपमेंट ऑफ, इंटरनेट का विकास किसके साथ शुरू हुआ। सभी बताएं फ्रेंड्स, सभी आंसर देने की कोशिश करें हमें, जल्दी बताएं फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स अब मैं अपना आंसर देता हूं। हमारा इसका आंसर है फर्स्ट, क्या है फ्रेंड्स, अर्पानेट, ठीक है फ्रेंड्स।
और किसके लिए? मिलिट्री के लिए ऐसा यूज़ किया गया था, है ना। सर मुझे बताएं KPA की फुल फॉर्म, KPA की फुल फॉर्म। सही फ्रेंड्स बताएं KPA की फुल फॉर्म क्या होगी, जल्दी जल्दी आंसर दें। आइए फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता हूँ KPA की फुल फॉर्म है हमारी की प्रोसेस एरिया, की प्रोसेस एरिया, ठीक है फ्रेंड्स। KEY है ना, की प्रोसेस एरिया, ठीक है फ्रेंड्स, तो अच्छे से याद रख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 130 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या ब्लूटूथ इज एन एग्जांपल ऑफ, ब्लूटूथ किसका एग्जांपल हो सकता है, पैन का, लैन का, मैन का या वैन का? तो जल्दी से बताएं फ्रेंड्स ब्लूटूथ किसका एग्जांपल हो सकता है। सही फ्रेंड्स आंसर दें, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। ब्लूटूथ इज एन एग्जांपल ऑफ पैन, लैन, मैन, वैन। तो सही फ्रेंड्स आंसर दें, जल्दी जल्दी आंसर दें फ्रेंड्स। और सभी फ्रेंड्स इनकी आंसर फुल फॉर्म भी लिख के दें मुझे, सभी की, पेन की, लैन की और मैन की, वैन की। एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा फ्रेंड्स, जो लिख सकते हैं फ्रेंड्स सभी लिख दीजिएगा, चारों के फुल फॉर्म लिख दीजिएगा। और साथ साथ बताएं इसका क्या आंसर होगा। आइए फ्रेंड्स अब मैं अपना आंसर बताता हूँ। 130 का आंसर है हमारा फर्स्ट, क्या है, पेन, ठीक है, पेन से मतलब समझते हैं ना। तो फटाफट लिख दीजिएगा चारों के फुल फॉर्म, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी जल्दी फ्रेंड्स। पेन क्यों होगा, क्योंकि हमारा जो ब्लूटूथ है ना, अब मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप लिख लेना। पेन से क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है फ्रेंड्स। ब्लूटूथ क्या है, ब्लूटूथ हमारा एक पर्सनल एरिया के लिए होता है, जैसे हम आप काम कर रहे हैं कहीं पर बैठकर, तो क्या है, पर्सनल एरिया है, ठीक है फ्रेंड्स, पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। तो पेन हमारा जो है ब्लूटूथ का एक एग्जांपल है, ठीक है, ब्लूटूथ जो हमारा पेन का एग्जांपल है, सॉरी, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। 131 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सूट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है फ्रेंड, MS ऑफिस। निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के उत्पादों के सूट का हिस्सा नहीं है? फर्स्ट नंबर पर दिया माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जैसे हम MS माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है ना। सेकंड नंबर पर है माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, थर्ड नंबर पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और फोर्थ पे है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। तो फ्रेंड जल्दी से आंसर दीजिए, क्या आंसर होने वाला है इसका। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें कि निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के उत्पादों के सूट का हिस्सा नहीं है, जल्दी से बताएं फ्रेंड्स, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें, जल्दी से आंसर दें फ्रेंड्स। आई होप कि आपको पता होगा, जल्दी से आंसर दें फ्रेंड्स। आंसर दें फ्रेंड्स जल्दी जल्दी। आइए अब मैं बताता हूँ आपको, 131 का आंसर है हमारा फोर्थ, क्या है फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, क्या है फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप बताएं फ्रेंड्स मुझे SBIN की फुल फॉर्म, SBIN की फुल फॉर्म। सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें, SBIN की फुल फॉर्म क्या होगी फ्रेंड्स, जल्दी से बताएं फ्रेंड्स, SBI की फुल फॉर्म क्या होगी, SBIN की फुल फॉर्म क्या होगी। सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें। आइए फ्रेंड्स अब मैं आपको बता देता हूँ, SBIN की फुल फॉर्म है हमारी सुपर यूज़र बाइनरी, क्या है, सुपर यूज़र बाइनरी, ऐसे सुपर और बिन से बाइनरी, ठीक है फ्रेंड्स। तो याद रख लीजिए कि छोटी सी थी, आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 132 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है फ्रेंड्स। क्या है इफ़ द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर, क्या है 53 का, क्या है 110101 और देन द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 50 का बताना है आपको। फ्रेंड्स मैं आपको दोनों तरह से बता चुका हूँ,
बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी। यदि आपने नहीं देखा तो आप हमारा लेक्चर जाकर देख सकते हैं। तो आप मुझे बताइए फ्रेंड्स, 50 का बाइनरी क्या होगा, जल्दी से बताने की कोशिश करें फ्रेंड्स, सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें, क्या होगा फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं क्या क्या दिया हुआ है, जल्दी से निकालिए 50 का और मुझे बताइए, जल्दी से बताएं फ्रेंड्स, थोड़ा टाइम लग रहा होगा आपको सॉल्व करने में, कर लीजिएगा, जल्दी से बताएं फ्रेंड्स, सभी आंसर दें, सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें। अब आइए फ्रेंड्स, मैं अपना बता देता हूँ आंसर आपको, इसका आंसर है हमारा थर्ड, क्या है फ्रेंड्स, 110010। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छे से देख लीजिएगा सॉल्व करके। अब आप बताएं फ्रेंड्स मुझे MUI की फुल फॉर्म, सही फ्रेंड्स बताएं MUI की फुल फॉर्म क्या होगी, MUI की फुल फॉर्म क्या होगी, जल्दी से बताएं फ्रेंड्स MUI की फुल फॉर्म क्या होगी, सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें, MUI की फुल फॉर्म क्या होगी, जल्दी से बताएं फ्रेंड्स MUI की फुल फॉर्म क्या होगी, सही फ्रेंड्स आंसर दें। आइए फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, MUI की फुल फॉर्म है हमारी मल्टीमीडिया यूज़र इंटरफेस, अच्छे से लिख लीजिएगा अपने पास। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, 133 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड्स, ये फुल फॉर्म से है। ठीक है, क्या है फ्रेंड्स, RFID की फुल फॉर्म बतानी है आपको, RFID की क्या है, फर्स्ट नंबर पर दे रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, सेकेंड पे रोमिंग फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, थर्ड पे रन टाइम फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, फोर्थ पे रिमोट फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो सही फ्रेंड्स बताएं RFID की फुल फॉर्म क्या होगी फ्रेंड्स, ये तो ऑप्शन के साथ है, जल्दी से बताएं फ्रेंड्स RFID की फुल फॉर्म क्या होगी, सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें, जल्दी से बताएं फ्रेंड्स क्या होगी, सही फ्रेंड्स आंसर दें, RFID की फुल फॉर्म क्या होगी। आइए अब मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर है हमारा फर्स्ट, क्या है फ्रेंड, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, RFID से मतलब है R से रेडियो, F से फ्रिक्वेंसी, ID से आइडेंटिफिकेशन, तो अच्छे से याद रख लीजिएगा, आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 134 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स द इंटरनेट हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो बताइए फ्रेंड्स, ए नंबर पर दिया हमारा हब, बी पर ब्रिज, सी से राउटर, डी से गेटवे और ई से मॉडेम। तो फ्रेंड्स आपको इनके अलग से सेपरेट, इनको अलग से पढ़ लेना है, इन चारों ही टॉपिक को फ्रेंड्स, इनसे क्वेश्चन पुटअप होता ही है, हब, ब्रिज, राउटर, गेटवे और मॉडेम। ठीक है, आप जिस भी बुक से तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, उसमें होगा ये कंप्यूटर वाले पार्ट में, ICT वाले पार्ट में, आप ज़रूर से देख लीजिएगा फ्रेंड्स। तो कोड दिए आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड्स, बताना है, फर्स्ट नंबर पर दिया ABCDE यानी कि पाँचों हैं, बी पर दिया ABE, थ्री पर दिया ई ओनली और डी पर दिया BCDE। तो फ्रेंड्स ये दिसंबर में आया वो क्वेश्चन है, दिसंबर 2018 में, सही फ्रेंड्स अच्छे से देख लीजिएगा कैसा क्वेश्चन आया था, ज़्यादा हार्ड नहीं, यदि आपने इसके बारे में पढ़ा होगा तो आप इसे बना ले जाएंगे, सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी आंसर दें फ्रेंड्स, हब, ब्रिज, राउटर, गेटवे, मॉडेम सभी हैं, ये इनमें से कुछ अलग भी है, इंटरनेट हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, किस किस की रिक्वायरमेंट है जल्दी से बताएं फ्रेंड्स। आइए अब मैं आपको अपना आंसर देता हूं फ्रेंड्स, 134 का आंसर हमारा फर्स्ट, ठीक है, ABCDE चारों ही हैं, हब भी है, ब्रिज भी है, राउटर भी है, गेटवे भी और मॉडेम भी है, हालांकि इनके वर्क अलग अलग हैं बट हमारे सभी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छे से पढ़ लीजिएगा इनके बारे में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, फायरवॉल्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट ए कंप्यूटर ऑन ए नेटवर्क अगेंस्ट, यानी कि फायरवॉल का उपयोग किसी नेटवर्क पर कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए किया जाता है। तो सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें, क्या आंसर होगा फ्रेंड्स इसका, सही फ्रेंड्स आंसर दें मुझे, यदि फ्रेंड्स लेक्चर अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स लाइक जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दीजिएगा बात को। ठीक है फ्रेंड्स,
तो जल्दी से बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होने वाला है इसका। सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसका हमारा आंसर होगा फर्स्ट। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है? अनऑथोराइज्ड अटैक। ठीक है फ्रेंड्स, तो अच्छे से याद रख लीजिएगा इसका आंसर क्या है, अनऑथोराइज्ड अटैक। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप मुझे बताएं एल ए की फुल फॉर्म क्या होगी फ्रेंड्स। एल ए की फुल फॉर्म, सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें, एल ए की फुल फॉर्म क्या होगी, जल्दी से बताएं फ्रेंड्स एल ए की फुल फॉर्म क्या होगी। तो लेक्चर ख़त्म करते हैं, एल ए की फुल फॉर्म क्या होगी जल्दी से बताएं। सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें, एल ए की फुल फॉर्म क्या होगी। आइए फ्रेंड्स मैं अपना आंसर देता हूँ, एल ए की फुल फॉर्म है हमारी लेबोरेटरी ऑटोमेशन। क्या है? लेबोरेटरी ऑटोमेशन। तो अच्छे से याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स, आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको हमारा आज का लेक्चर, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और डेली हमारे साथ मॉर्निंग में 10 बजे लाइव आ जाया करिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।